और अभी जो एक भैया यहाँ पे जस्ट मतलब खाना खा के निकल ही रहे थे और हम अपना इंट्रो शूट करे, तो भैया ने बोला कि हमसे थोड़ा पूछ लो आपको खाना कैसा लगा। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नाम क्या हुआ आपका? सूरज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चौली। चौली। और खाना यहाँ पे खा के कैसा लगा आपको? मस्त लगा। मस्त लगा। मस्त मतलब आपका आवाज से भी लग रहा है कि खाना खा के आप संतुष्ट है? नहीं, भरपेट खाना मिला? भरपेट मिल गया। पूरा पेट नहीं निकला जी उतना? मतलब थोड़ा ही खाया ना? नहीं खाए, अपना पेट भर। अच्छा टाइट से खाए हैं? हाँ, तो क्या लगता है कि दोबारा आइएगा खाने फिर से? अच्छा लगेगा, यही खाते, यही बराबर खाइएगा? बराबर खाइए। चलिए, तो भैया जो है बड़ी बढ़िया फीडबैक दिया, थैंक यू भैया। आप अपना काम में लगी, हम अपना काम में लगते हैं। तो भाई हमारे पीछे के जो है नज़ारे देखकर आप लोग फिर से एक बार समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो है फिर से एक बार हाईवे पे आ चुके हैं। और हाईवे में हम लोग कहा है तो हम लोग है रिंग रोड पे। आप लोगों को पता है रिंग रोड से जो अपने को एक प्यार सा हो गया, और प्यार होना भी चाहिए क्योंकि इस रोड में जो ना एक से एक खाने की जगह मिलता है, वो भी सबसे कम रेट में। तो हम लोगों ने जो है ढूंढ निकाला फिर से एक नए जगह को, जहाँ पर आपका चिकन और चावल भरपेट खिलाया जाता ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मटन की भी फैसिलिटी है। तो इसी जगह को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मटन की रेसिपी दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो है मटन बनाया कैसे जाता है। तो चलिए बिना देर के चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सब कुछ आपको जो यहाँ पे आज होने वाला है। तो गाइस ये है वो होटल जिस होटल की आज हम बात कर रहे थे, और ये चेक करो कुछ इस तरह का जो है आपको यहाँ पे बैठने वगैरह का सारा जगह वगैरह मिल जाता है काफ़ी बढ़िया सा। और ठंड के मौसम में अगर ऐसे आपको खुले खुले में धूप में खाने को मिले गर्मा गर्म चिकन चावल, तो फिर बात ही क्या। और इस साइड पे जो है इनका सामने में ही आपको किचन का एरिया मिल जाएगा जहाँ पे इनका सारा खाना वगैरह पकता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर आपको जो है आराम से अंदर बैठ के खाना है तो इनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे एकदम सलीके से कुर्सी टेबल वगैरह लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी जो है बैठ के यहाँ का खाना इंजॉय कर सकते हो। तो भाई अभी जो है हम आ चुके हैं इनके किचन के एरिया में, और ये चेक करो यहाँ पे सारा खाना वगैरह कोयले के चूल्हे पे ही बनता है, और यहाँ पे कढ़ाई सबसे पहले चढ़ा दिया गया है, और आज बनने वाला है इसमें मटन। तो मटन की पूरी रेसिपी हम आपको दिखाने वाले हैं, और साथ ही साथ मटन बनने के लिए यहाँ पे जो है प्याज वगैरह भी काफ़ी अच्छे से काट के रख लिया गया है। तो गाइस इस साइड पे तो अपना कढ़ाई चढ़ा हुआ है ही, और यहाँ पे जो है हमारा कढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और अब जो है ना गाइस इसमें जाने वाला है अपना सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल अपना डल चुका है, और इस साइड पे हम आपको दिखाएंगे कि जो आज अपना मटन बनने वाला है ना वो भी यहाँ पे धुल के काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है। और मटन को आप चेक करो कितना ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है, एकदम ताज़ा मटन है। और पीसेस वगैरह की बात करें तो बहुत बढ़िया पीस वगैरह दिख रहा है इसमें, नली वाला पीस हमारे सामने रखा। तो इधर पर जो है सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, और जो है अब इसमें डलने वाला है अपना फोड़न। तो फोड़न में जो है सबसे पहले अपना क्या जाएगा, तो सबसे पहले जा रहा है अपना तेजपत्ता। तो ये चेक करो यहाँ पे गया तेजपत्ता। तेजपत्ता पड़ने के बाद ये गया आपका उसमें गोटा गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची था, और अभी जो है इसमें जाने वाला अपना जीरा। तो यहाँ पे फोरन वगैरह देख सकते हो, जीरा वगैरह समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। और अब जो है इसमें जाने वाला है कटा हुआ प्याज, तो यहाँ पे कटा हुआ प्याज भी डाल दिया गया है। तो कितना मटन वैसे बन रहा है अभी, कितना मटन बना रहे हैं? 1 kg बना रहे हैं। 1 kg में कितना प्याज पड़ गया अपना? इसमें 500 ग्राम डाले हैं, मतलब 1 kg मटन में 500 ग्राम प्याज, आधा आधी का रखते हैं। आधा आधी रखते हैं। चलिए बढ़िया है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो प्याज वगैरह इसमें डाला था काफी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, कलर एकदम गोल्डन हो चुका है। और अब जो टाइम आ चला है इसमें अपना ताजा ताजा मटन डालने का, तो ये चेक करो यहाँ पे जो है मटन इसमें डाल दिया जा रहा है। पीसेस में बताओ ना काफी शानदार है मटन के, और काफी अच्छा साइज भी रखा हुआ है इन्होंने मटन का। तो यहाँ पे जो है मटन अपना पड़ चुका है, मटन पड़ने के बाद अब जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिला लिया जा रहा है प्याज वगैरह के साथ। तो यहाँ पे जो है अब अपना बारी आ चुका है नमक डालने का, और अब तो जो है इतना टाइम बाद आप लोग भी समझ गए होंगे कि नमक इसमें क्यों डाला गया है। अभी तो नमक डाला गया है अपना ताकि जो है प्याज तो डाला है वो तो गली चुका है, साथ ही साथ अपना मटन अच्छे से गले, मटन में जो है जो भी उसका पानी है वो निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद वो काफ़ी अच्छे से भुनाएगा इसमें, तो एक बढ़िया सा स्वाद मटन का निकल के आएगा। तो अभी नमक डाल दिया, और कुछ अभी करेंगे कि अभी क्या करना है? ढकना है इसको, ढकना, अभी ढक देना। कितना देर अभी ऐसे ही रहेगा बिना मसाला वसाला नमक डाल के? रहेगा 15-20 मिनट, रहेगा 15-20 मिनट अभी ऐसे ही जाएगा। चलिए बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे अभी 15-20 मिनट अभी टाइम लगना है, यहाँ पे जो है ढक्कन अपना लग जा रहा है। इधर पे जब तक अपना ढक्कन लगे हैं, और इस साइड पे जो है कुछ भैया लोग हैं बैठ के जो यहाँ का खाना का आनंद ले रहे हैं, काफी मुस्कुरा मुस्कुरा के खा भी रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों भैया का स्वागत है हमारे चैनल पे। नाम क्या हुआ आपका भैया? शुभ नाम बताइए अपना। मेरा सानू सिंह हुआ। और आपका भैया? मेरा सूर्यांशु शेखर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग रांची के रहने वाले। रांची के रहने वाले, और इधर रिंग रोड ये हम लोग BIT से भी आए हैं, BIT मिश्रा में हम लोग MTech कर रहे हैं। MTech कर रहे हैं, वाह। तो मतलब कि यहाँ देखे और रुक गए खाने के लिए? फर्स्ट टाइम ही होगा? हाँ फर्स्ट टाइम है ना। कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? काफी अच्छा है, थिक ग्रेवी है,
अच्छा है, काफी अच्छा है खाना, मतलब ओवरऑल टेस्ट बढ़िया लग रहा है आपको, है ना? श्योर। तो खाने में जो है आपको मिला भी काफी कुछ लगता है, पापड़ चोखा सब कुछ ऑलमोस्ट जो है 60 रुपए में जो है भरपेट खिलाया जाता है, चिकन और चावल जितना, उसके बाद आप चावल लेते रहिए, दाल लेते रहिए, ग्रेवी मिलते रहेगा। तो क्या कहते हैं, ऐसा एक होटल आपको BIT तरफ भी खुलना चाहिए, नहीं? हाँ, चाहिए। ताकि BIT में जो भी पढ़ते हैं सबका जो है थोड़ा कल्याण होता रहे, क्या? चलिए, थैंक यू सो मच भैया फीडबैक देने के लिए, खाना एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी जो है लगभग 10 मिनट हो चला है हमारा, और 10 मिनट के बाद एक बार ढक्कन हटा है, और ढक्कन हटने के बाद ये देखो आप, प्याज वगैरह तो घर समझो कि नामन तान मिट चुका है, मटन वगैरह का कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है, और मतलब कि अभी जो खुशबू निकल के आ रहा है ना मटन का, जो हल्का सा जैसे लगता है ना रोस्टिंग टाइप का, बिल्कुल वैसा ही खुशबू अभी निकल के आ रहा है सिर्फ मटन का, बाकी अभी तो कुछ इसमें डला नहीं है वैसा। और इस साइड पे जो हम आपको दिखाएंगे तो अपना मसाला वगैरह मटन में डालने के लिए रेडी हो रखा है, तो क्या क्या है इसमें एक बार वो बताइएगा हमको, क्या क्या डाले हैं इसमें? मिर्चा है, अच्छा, और मिक्स मसाला दिख रहा है हमारे को, और आधी लहसुन और मिर्चा का पेस्ट भी है, गोलकी वगैरह भी इसमें डाला हुआ ना, पाउडर वगैरह डाला हुआ। तो भाई यहाँ पे जो है अभी अपना मसाला वगैरह जो भी रखा गया था रेडी करके, वो मटन में अभी डाल दिया गया, और अभी जो है इसको लगातार ऐसे ही भुना जाएगा कम से कम 10 से 15 मिनट। गरम मसाला पाउडर भी था इसमें ना, गरम मसाला पाउडर था ना इसमें डाला, हाँ खुशबू आ रहा है, डालने के बाद जो खुशबू निकल के आ चुका है। तो अभी और क्या डालेंगे इसमें? अच्छा, तो मीट का मसाला अभी डाल देंगे, डाल दीजिए। तो भाई जो है अपना इधर काम चल ही रहा है, देख सकते हो मटन वगैरह से काफ़ी अच्छे तरीके से पानी वगैरह निकल चुका है। तो भाई ये जो है अपना प्रोसेस अभी इधर ऐसे ही चलेगा, और जब तक अपना मटन इधर पे रेडी हो रहा है तब तक जो है यहाँ के ओनर से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं जगह के बारे में। तो भैया है हमारे साथ, और यही है जगह के ओनर। तो सबसे पहले स्वागत है भैया आपको हमारे चैनल में, क्या नाम है आपका? संजय साहू। संजय साहू, और भैया कितना पुराना होटल है आपका? चार दिन पहले खुला था, बीच में बंद हो गया। अच्छा, मतलब रीओपन किया है फिर से? हाँ, चार दिन हुआ है। तो क्या सिस्टम वगैरह है खाना वगैरह का? चिकन चावल है, वो अनलिमिटेड है, 60 रुपये। अच्छा, 60 रुपये में भरपेट खिलाते हैं मुर्गा भात? हाँ, भरपेट। और उसके साथ कुछ देते हैं मुर्गा भात के साथ? मुर्गा भात, चोखा, दाल, पापड़। अच्छा, तो मतलब कि 60 रुपये में जो है आप चोखा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, पापड़ वगैरह भी, सलाद वगैरह भी, मतलब एक कंप्लीट थाली भरपेट का, है ना? और क्या क्या है उसके साथ, क्या खिला रहे हैं आप? मटन चावल 120 रुपये। और टाइमिंग वगैरह क्या है, कितने बजे से जो है खाना मिलना चालू हो जाता है आपके यहाँ? 9 बजे से, सुबह 9 बजे से। कितने बजे तक सर्विस देते हैं? 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक, मतलब 9 to 9 है ना? सप्ताह में कोई बंदी भी रख रहा है? नहीं, बंदी नहीं, बंदी नहीं रख रहा, सातों दिन खुला रख रहा है ना। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे सर, कि ये जो है जगह के बारे में बताइए, अगर किसी को यहाँ पे आना हुआ तो कैसे आएंगे? ये कांके बोड़िया संग्रामपुर रिंग रोड। अच्छा, कांके बोड़िया। हाँ। अच्छा, ये जो बोड़िया वाला रास्ता से निकलेगा रिंग रोड। हाँ। और रिंग रोड से ठीक संग्रामपुर बगल में आपका होटल है ना? चलिए बढ़िया है, फिर से रीओपन हुआ, बेस्ट ऑफ लक रहेगा सर हमारे तरफ से आपको, थैंक यू टाइम देने। और इस साइड पे जो है पानी वगैरह चेक कर रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से सूख चुका है, और पानी सूखने के साथ ही साथ ना मसाला जो डाला गया था उसका कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो चला है। तो गाइस इस साइड पे जो अपना मटन समझो ठीक तरह से कंप्लीट हो चुका है, मसाला वगैरह जो पड़ना था सब पड़ चुका है, बस अब इसको जो है पकने का वेट किया जा रहा है। तो इसको पकाने के लिए अभी 15-20 मिनट ऐसे ही लगेगा, अब जो है हम आपको दिखाएंगे जब हमारा मटन रेडी हो जाएगा उसके बाद। तो गाइस फाइनली जो अपना मटन बन के रेडी हो चुका है, और ये चेक करो रंगत वगैरह, और यहाँ पे जो है मटन फैट काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े बड़े साइज का यहाँ पे ऊपर तैर रहा है। और एक चीज़ क्या दिखाएंगे ना, रोगन वगैरह भी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से ऊपर आ चुका है, एक बार थोड़ा चलाइए तो इसको सर, ये देखो यार, मतलब कि ग्रेवी वगैरह चेक करो आप, एकदम बढ़िया क्वालिटी का ग्रेवी लगवाते हैं, अपना खाना बताते हैं खा के आपको कि यहाँ का जो है टेस्ट कैसा है मटन का। तो गाइस अभी जो है टाइम आ चला एक बार फीडबैक ले लेंगे। तो इधर पे जो है चार भैया बैठ के यहाँ का खाना का बड़ा ही आनंद से खा रहे थे, और सबके चेहरे के मुस्कान से आप समझ सकते हो कि लगता तो है खाना पसंद आ रहा है इनको। तो सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, राहुल नायक। कहाँ के रहने वाले आप? औरमान जी। औरमान जी, और आपका क्या नाम है? अजय। औरमान जी। औरमान। आपका भैया? अरविंद मुंडा। औरमान जी। आपका भैया? दीपक नायक। तो यहाँ पे जो है चारों भैया का हाजिरी ले लिए हैं, ठीक है। और अब जो है भैया लोग से हम पूछेंगे खाना का स्वाद कैसा लग रहा है, आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है? एक नंबर भैया, खाना पसंद आ रहा है? अच्छा, तो अच्छा, मतलब ये जो है एक बार खाए दिन भर काम में लगे रहे? हम लोग एक ही बार खाते हैं, दिन भर काम करते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि एक बार खाते हैं पूरा दिन में, कोई नाश्ता वास्ता कुछ नहीं? कै बजे निकलते हैं आप लोग काम पे? चार बजे निकल जाते हैं। जाड़ा में भी 4 बजे सुबह? भैया सुबह 4 बजे तो सब अंधेरा रहता होगा? नहीं, आ रहता है, लोड करके वहां से निकलते सुबह हो जाता है, सुबह हो जाता है, माल लेते लेते, है ना?
और 60 रुपये में जो है भरपेट खिलाया जा रहा है, साथ में जो है पापड़ सलाद ये सब भी मिल जा रहा है ना, चोखा उखा सब पूरा मिल रहा है सुविधा। ओके, तो जो हमारे फैमिली के लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए खाना या करना चाहिए ना, करना चाहिए, यहाँ का आके इतना कम बजट में हम लोग का अच्छा खाना मिल जा रहा है नहीं। तो भैया लोग को ज्यादा ना डिस्टर्ब करते हुए खाना खाने देते हैं और चलते हैं अपने। सो गाइस फाइनली जो है अपना यहाँ पे खाना लग चुका है और यहाँ पे जो है आज हम ट्राई करने वाले हैं दोनों। तो यहाँ पे जो है हमने चिकन भी लिया है, मटन भी है और पूरी एक कंप्लीट थाली है। तो एक बार जो है सबसे पहले खाने से पहले जो हमेशा हम अपना रिचुअल मतलब कि अपना परंपरा करते हैं कि आपको जो है खाने का जो है एक बार दिखाते हैं नज़ारा और उसके बाद फिर टेस्ट करके बताएंगे, तो थोड़ा पास आ जाइए। तो गाइस ये जो आप थाली देख रहे हो ना, तो यहाँ पे जो अपने को क्या मिला है, मटन आप चेक करो कितना शानदार सा मटन और काफ़ी गाढ़ा सा ग्रेवी, दिख भी काफ़ी सुंदर सा रहा है। मटन को करते हैं साइड पे, पापड़ मिला है अपने को, चोखा मिला है, सैलेड है और चावल, और इस साइड पे हमने चिकन भी लिया है ट्राई करने के। तो अब जो है आपको हम चेक कराते हैं मटन अपना पका हुआ किस हिसाब से। तो ये देखो पीस नल्ली वाला है, बहुत ही प्यार से एकदम प्यार और दुलार से जो है ना मटन उतर गया है हड्डी से, पका हुआ बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा पक चुका है मटन, बढ़िया पक चुका है मटन। तो अब जो है ना एक बार ट्राई करते हैं चावल के साथ ग्रेवी को। तो ये जो है हमने इसमें ग्रेवी अपना डाल दिया है, तेजपत्ता को करते हैं साइड, ये हम मिलाते हैं इसको, मिक्स हो गया और पहला बाइट रेडी। मैंने जैसे बोला था ना आपको नमक थोड़ा तेज है, मेरे को लगा था चावल के साथ कम हो जाएगा बट ग्रेवी ज़्यादा ले लिया हमने इसके कारण भी हो सकता है। तो नमक वगैरह मैटर नहीं करता, वो हाथ का बात है, कभी कभी हो जाता है और उनको फीडबैक दे देंगे तो वो चीज़ उस चीज़ को सुधार भी लेंगे। बहुत बढ़िया जो चोखा बनाया हुआ पर बेहतरीन मुर्गा भात तो भरपेट आपको हम बहुत बार दिखाए, बड़ा मुश्किल से जो है इसको ढूंढ के निकाले जहाँ पे भरपेट मटन भात भी खिलाया जाता है, जानदार मटन बहुत बढ़िया, टेस्ट अच्छा है, प्लस ना पीस बहुत बड़ा, बस बड़ा साइज आप बोल सकते हो, पीस की बात करें ना, पीस देखो मटन का पीस देखो कितना बड़ा साइज का पीस है। बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छा लगा। और खाना तो खा ही रहे, अपने जो है प्राइजिंग की बात करें तो ये जो थाली आप पूरा देख रहे थे ना, ये थाली है आपका 120 रुपये का, दो पीस बड़े बड़े मटन, चावल, सैलेड, पापड़ और साथ में चोखा वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और इसमें भी आपको भरपेट मिलेगा खाना, जिसमें आप चावल जो है जितना चाहो उतना रिपीट कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा फाइन चावल खाना है तो फाइन चावल का सिस्टम अलग है, चावल एक ही बार मिलेगा, एक्स्ट्रा चावल का 20 रुपये प्लेट लगेगा। तो ये हो गया यहाँ पे प्राइजिंग वगैरह का बात, चिकन का तो नॉर्मली 60 रुपये भरपेट है। मटन का तो स्वाद हमने चख लिया, बारी है चिकन का, ग्रेवी ठीक है, अच्छा मतलब भरपेट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि पानी वाला ग्रेवी है, गाढ़ा है। मिक्स करते हैं ग्रेवी इसमें और ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब वाव वाला पूरा टेस्ट है, ठीक है जो रोज खाएंगे परफेक्ट है। और पता है चिकन का भी ऐसा नहीं कि साइज छोटा रखा है, चिकन का साइज भी देखो बहुत बेहतरीन और बड़ा बड़ा साइज का चिकन है इनका पर। ठंड के मौसम में ऐसा मस्त धूप आपके सर पे हो और ऐसा शानदार सा खाना अनलिमिटेड, नेक्स्ट लेवल, मतलब बात ही क्या करें। नल्ली को खाली करते हैं, देखते हैं कुछ है कि नहीं इसके अंदर या फिर खाली मिला अपने को। माल भरी था,
तो गाइस खाना तो अपना यहाँ पे पड़ा हुआ, खाना को करते हैं ख़त्म। और बात रहा यहाँ का जायका, वो हमने बताया, प्राइजिंग वगैरह सारा डिटेल दे दिया। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो करना क्या, सिंपली वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको खाने पीने से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। मिलता है कल कुछ कहीं और नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आज का जो है हमारा स्पेशल थैंक भाई को रहेगा, यही जो थे हमारे कैमरा के पीछे जिन्होंने हमारे को बहुत हेल्प किया शूटिंग के दौरान। थैंक यू आपको भी मदद करने के लिए।